नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे 5 T20 मैचों की सीरीज में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को मेजबान वेस्ट इंडीज ने लगातार 3 T20 मैच में पराजित किया। लगातार 3 मैच जीत मेजबानों ने T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। विंडीज के खिलाफ लगातार तीसरे T20 मैच में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान एरोन फिंच ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। फिंच का कहना है कि वेस्ट इंडीज में कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं और उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरोन फिंच ने कहा कि उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया और यही वजह है कि उन्हें लगातार हार झेलनी पड़ी है। फिंच ने मुकाबले के बाद कहा, इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काफी मुश्किल होता है और आप दुनिया के कुछ महान खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं। उनके कुछ खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट में 500 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। हालांकि हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस औसत से भी नीचे रहा है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज को 142 रनों का लक्ष्य दिया। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया और लगातार T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।